हेलो फ्रेंड्स, मैं उत्कर्ष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्कर्ष इंडिया कोडिंग में। और आज हम लोग सीखेंगे सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के ऊपर हम लोग एक प्रोग्राम बनाना सीखेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 9 है। और उसमें हम लोग सीखेंगे क्या सीखेंगे, बेसिकली कंसेप्ट हम लोग ये देखेंगे हाउ टू चेक और कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, वेदर दे आर सिमिलर और नॉट। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारे ऊपर, हमारे पास स्ट्रिंग के ऊपर है। सिमिलरली हम लोग इनपुट लेना और आउटपुट देना सीख लिए हैं, स्ट्रिंग का भी और डिजिट्स का भी। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेक्चर मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिए हैं और उनके सिलेबस में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 तक में ये आपको सी लैंग्वेज सीखनी ही सीखनी है। आप बिगनर हो, प्रोग्रामर हो, तो डेफिनेटली आप ये मेरा लेक्चर ज़रूर देखो, मेरे सारी सीरीज ऑफ लेक्चर्स देखो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर। छोटे छोटी मगर मोटी बातें करके मैंने बहुत सारी चीज़ें क्लियर करी हैं आपको, और अगर आप देखोगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा मैं। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन के बाद कमेंट में लिखें, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मैं उत्कर्ष अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें, मगर आज हम लोग सीखेंगे प्रोग्रामिंग के एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। किस तरह से हम दो स्ट्रिंग को इनपुट लेंगे, किस तरह से हम लोग उनको कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है वो किस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग पार्ट हो गया, आप देख सकते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। और ये हमारा क्या है, यहाँ पे जब हम लोग आते हैं इस प्रोग्राम के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि ये सब हमारी हेडर फाइल्स है। क्या है, ये हेडर फाइल्स है। स्टूडियो डॉट एच हमारा किस लिए है, ये बेसिकली हमारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के लिए है। ठीक है, इसके बाद जब ये हमारा स्ट्रिंग डॉट एच लिखते हैं तो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए ये हेडर फाइल हमको बुलानी पड़ती है, लानी पड़ती है प्रोग्राम के अंदर। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम में। इंट मेन कर सकते हैं, वॉइड मेन कर सकते हैं, मैं अपने पुराने लेक्चर्स में भी बताया हूँ। अगर हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं करनी है तो हम इसको void main भी कर सकते हैं, बट आप दोनों तरीके से सीखो, मैं दोनों चीज़ सिखा रहा हूँ आपको। int main से हम लोग अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, मेन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, कैरेक्टर, हमको दो स्ट्रिंग, अपने को क्या है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना था। देन इन दैट केस व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट टेकन टू कैरेक्टर्स, वन इज ए अदर इज बी, एंड दिस इज द फॉर्मेट ऑफ टेकिंग स्ट्रिंग इन दी सी। ठीक है, जब आप कोई भी स्ट्रिंग सी के अंदर लेते हो तो उसका फॉर्मेट ये है कि अगर आप कोई वेरिएबल ले रहे हो, वेरिएबल के आगे उसका मैक्सिमम लेंथ आप डिक्लेयर करना पड़ेगा। 100 कर सकते हो, 1000 कर सकते हो, आपको 5000 कर सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसा कर लो। उतने कंटेंट ही ये लेगा, उतने ही कैरेक्टर्स को ये उठाएगा, वर्ड की नहीं बात करो, कैरेक्टर्स, एक एक स्पेस भी इसमें काउंट होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान देना लिखने का तरीका, अगर स्ट्रिंग यूजर से लेना है हमको सी प्रोग्रामिंग के अंदर तो हमको कैरेक्टर ए 100 और बी 100 या 1500 जो भी हमको साइज उसकी चाहिए वो हम ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमेशा से मैं आपको सिखाता रहा हूँ कि कोई भी प्रोग्राम बनाओ तो पहले एक मैसेज प्रिंट कर दो, यूज़र को पता हो कि क्या होने वाला है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, एंटर दी स्ट्रिंग, फर्स्ट स्ट्रिंग जो आपको लेना है, जो कंपेयर करने के लिए दो स्ट्रिंग्स चाहिए ना, तो दो स्ट्रिंग के बाद आप क्या एक स्ट्रिंग तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो उसे एक स्ट्रिंग को लेने के लिए आपको क्या करना है, मैसेज प्रिंट कर देना है और उसके बाद गेट ए यूज़ कर लेना है। ठीक है, इसके बाद सिमिलरली हमने सेकंड स्ट्रिंग ले लिया बी के अंदर। ठीक है, जो यूज़र से प्रोग्राम हमारा इनपुट, यूज़र से हमारा इनपुट जो हमारा आएगा वो हमारा ए और बी के अंदर स्टोर हो गया। अब हमको क्या करना है, स्ट्रिंग कंपेयर करना है दोनों, वेदर दे आर इक्वल और नॉट। और हम क्या करेंगे, रिटर्न जीरो इफ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स रिटर्न स्ट्रिंग्स आर अनइक्वल। अगर रिटर्न जीरो नहीं आता है तो हमारा स्ट्रिंग इक्वल है, अगर जीरो नहीं आता है तो अनइक्वल है, और जीरो आता है तो इक्वल है। ठीक है, इसको ध्यान देना। इसके बाद हम लोग इस कंडीशन पे आते हैं, स्ट्रिंग कंपेयर एक बाई डिफॉल्ट कमांड है जो हम लोगों ने यह हेडर फाइल लिया ना स्ट्रिंग डॉट एच, तो इस हेडर फाइल के कारण हम यहाँ पे स्ट्रिंग कंपेयर का कमांड रेडीमेड इनबिल्ट होता है, उसको हम लोग यूज़ कर लिए। ए कॉमा बी, यदि ए, इफ ए इज इक्वल टू बी देन ओनली इट विल बी ज़ीरो। ठीक है, एल्स इट विल बी नॉट ज़ीरो। नॉट ज़ीरो का मतलब कि दे आर नॉट इक्वल, क्लियर है। अगर दोनों सिमिलर होंगे तभी ये जीरो आएगा, तभी ये मैसेज प्रिंट करेगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल।
अगर दोनों सिमिलर नहीं होंगे फिर क्या करेगा, ज़ीरो उसका वैल्यू नहीं आएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल, प्रोग्रामिंग भी ख़त्म हो गई। अब आप देखो, मैं इस प्रोग्राम को रन करके देता हूँ आपको। रन करने के बाद आप देख सकते हो स्क्रीन पे क्या रहा, एंटर द फर्स्ट स्ट्रिंग, सपोज मैंने डाला उत्कर्ष, एंटर। सेकेंड स्ट्रिंग मैंने डाला उत्कर्ष, तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि इसका कैपिटल एंड स्मॉल सब कुछ इक्वल टू कैपिटल एंड स्मॉल ऑफ दिस वैल्यूज व्हाट आई हैव एंटर्ड। मगर अगर मैं यही चीज़ दो तरीके से कर दूँ, सपोज मैंने दिया कैपिटल यू करके मैंने उत्कर्ष दे दिया, इसके बाद फिर मैंने जो है आपका कैपिटल यू करने के बाद मैंने आपको जो है इसके अंदर जो दूसरा स्ट्रिंग दिया वो स्मॉल में दे दिया, ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन करने के बाद आप ये देखोगे स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल यू नहीं था इसलिए, और ये कैपिटल यू है, तो पूरी तरह से स्ट्रिंग कंपेयर का प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं। स्ट्रिंग कंपेयर फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, ये हमारा इक्वल होगा, तभी ये हमारा जीरो रिटर्न करेगा, तभी हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स आर इक्वल, और अगर नहीं रिटर्न करता है तो वो जो है क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। इस प्रोग्राम के ऊपर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कहीं भी आपको कुछ भी समझना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो स्ट्रिंग के ऊपर। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल करके आपको दिखाया है, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो मेरे को कमेंट कर दो, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा, इजी गोइंग आपका वर्क हो जाएगा। और हाँ, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डेफिनेटली ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जिनको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती, ऐसा नहीं है, मुझे इंग्लिश भी आती है, और इंग्लिश में मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ सो दैट जो ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में भी प्रॉब्लम है, इसका प्रोग्रामिंग में भी प्रॉब्लम है, दोनों सारी प्रॉब्लम कंपेयर हो रही हैं, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी ये समझना बहुत ही ज़्यादा बर्डन का काम हो जाएगा, इसीलिए मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ। एंड अगर किसी को, इफ़ एनीवन वांट्स मी टू टेक लेक्चर्स इन इंग्लिश देन डेफिनेटली डू राइट इन द कमेंट, आई विल बी अवेलेबल विद द इंग्लिश लेक्चर एज वेल, इफ़ यू रिक्वायर्ड देन ओनली, एंड इफ़ यू डोंट रिक्वायर देन डेफिनेटली वी विल बी वेल वर्स विद द हिंदी लेक्चर्स एज वेल, ठीक है। चलो, दिस इज़ उत्कर्ष अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर।